पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कटघर के गुलाबबाड़ी में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ नगर आयुक्त संजय चौहान के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान अलग अलग स्थानों से 462 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। दुकानदारों पर 31,600 रुपए जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के दौरान टीमों से मामूली नोकझोंक भी हुई। प्रवर्तन दल के सदस्यों ने उसे शांत करा दिया। कोठीवाल नगर में शिवम पुत्र पुनीत सपड़ा के यहाँ 255 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन मिली, उन पर 15,000 रुपए जुर्माना लगाया। इसी प्रकार इम्पीरियल तराहा पर सुनील कुमार, गुलाबबाड़ी में रोहित कुमार, असालतपुरा में मोहम्मद आरिफ, गुलाबबाड़ी में रजत अग्रवाल, गुलाबबाड़ी में ही सचिन अग्रवाल और सोनल पत्नी अवनी, राकेश कुमार गुप्ता, अभिषेक कुमार के यहाँ पर भी प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद हुई। सभी पर जुर्माना भी लगाया गया। अभियान के दौरान कर निर्धारण अधिकारी प्रमोद कुमार, मंगल सिंह पापड़ा, उमेश तोमर, दीपक सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र कुमार मौर्य, केशव विश्नोई, शुभम चौहान, सचिन सक्सेना मौजूद रहे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरती सिंह ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से मानक के अनुरूप ही पॉलिथीन रखने की अपील की है। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि हमारे प्रदेश में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो बैन हो चुकी है। इसकी रोकथाम के लिए समय समय पर नगर निगम मुरादाबाद और जिला प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में चूँकि त्यौहार शीघ्र ही आयोजित होने वाले हैं, पावन नवरात्र का अवसर चल रहा है और दीपावली भी निकट ही है, इस अवसर पर पॉलीथीन के प्रयोग को रोकने के लिए संपूर्ण नगरीय क्षेत्र और जनपद स्तर पर नगर पालिकाओं के सहयोग से एक साथ अभियान आज चलाया जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि पॉलीथीन एक हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली सबसे ख़राब चीज़ है, इस पर हम प्रभावी नियंत्रण अपने नगरीय क्षेत्र में लगा पाएँ, इसी के लिए हमारी टीम काम कर रही है। सर, पेनल्टी भी इम्पोज करेंगे यदि किसी? निश्चित रूप से जो शासन द्वारा निर्धारित पेनल्टी है उस वो अधिक से अधिक प्लास्टिक एंड पॉलीथीन यूजर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर लगाई जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।